तो सभी मेरे दोस्तों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने इतना सारा सपोर्ट किया कि फाइनली जो है हमारे YouTube फैमिली में पूरी वीडियो हो चुकी है 30 की जोर से बोल 30 के। तो डिंगे तो डिंगी जो है रात भर खुली रहती है तो उसकी वजह से डिंगी ने दूध पी लिया और कालू कब का चिल्ला रहा है तो मैंने बोला पहले कालू को छोड़ देते हैं बाद में करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो सुरेश भाई यहाँ से अभी अभी उठ के घर पे चले गए क्योंकि अभी उठे क्योंकि चारा जो है वो आज भरने के लिए जाना नहीं था तो इसकी वजह से अभी भाई यहाँ से उठ के चले गए। बाकी जो मिल्किंग का काम है वो पूरा हमने कर लिया था, वो बाद में ही हम फिर वापस सो गए थे क्योंकि कुछ काम था नहीं तो फिर 2 घंटे ऐसे ही टाइम पास करने का, तो उसकी वजह से हमने सो गए थे। सुरेश भाई, माला भाई जितने भी सुबह जल्दी उठते हो बाद में सब सो गए, अभी उठ गए हैं फिर से। तो अभी जो भी यहाँ का जो घर का जो काम है वो अभी पूरा करना है तो अभी फटक से कर लेते क्योंकि आज जो गोबर भरने के लिए भी ट्रैक्टर आने वाला है। किशन भाई ने फ़ोन किया था कि हाँ ज़रूर से आ जाएंगे तो अभी देखते हैं, तब तक यहाँ जी यहाँ जो भी काम है वो काम करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो अभी कालू को पहले छोड़ देते हैं। कह रहे कालू नहीं छोड़ा नहीं था, कालू रुक जा, हाँ रुक जा, छोड़ रहा ना मैं तेरे को, दूर रहना खाली, अबे रुक ना, रुक जा रुक जा रुक। यस यस। तो अभी जो कालू है वो अभी दूध पी रहा है और डेंगू तो यहाँ पे खड़ी है, आपको भी पता है डेंगू को पीने ही नहीं देती वो जो कुटू कुटू है। तो अभी देखिए डेंगू तो मेरे पास आ रही है, वो मुझे बोल रही है कि तू चल कुटू कुटू को पकड़, मैं दूध पीता, तभी देख सकते चल हल हल दो हल दो। अभी देखिए देखिए पकड़ ली तो भाग किया गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक, अबे रुक कुटू कुटू को है ना इसको पीने ही नहीं देती, हाँ से अच्छी तरह से पकड़ के रखेंगे तो ले पी ले पी ले पी ले। अभी देखो कुटू कुटू जो है उसको पकड़ लिया है मैंने और डिंगी को पीने दे, हाँ मजी में कहाँ गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, कैसे हो, कैसा है। तो आई होप आप सब मौज में हो गए और मैं भी एकदम मौज में हूँ। तो आज जो है सुबह जो भी चारा था उसको लेने के लिए हम नहीं गए थे क्योंकि आज थोड़ा सा आठ दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आ रहा है चारे के लिए क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। तो मौसम की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के जो किसान भाई है जो गन्ने की पत्ती होती है उसे बहुत जल्दी सिलगा दे रहे हैं क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो पत्ती है वो गीली होने के बाद वो जो नहीं सिलगती तो उसकी वजह से वो फटाफट से उनके खेत जो है वो खाली कर रहे हैं और ट्रैक्टर से रिपेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर बारिश हो जाती है और खेत जो गीले हो जाते हैं तो बाद में अंदर ट्रैक्टर नहीं जाता है तो बहुत टाइम लगता है तो उसकी वजह से अगला जो फसल है वो भी लेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ के किसान भाई है उन्होंने फटाफट से जो भी उनके खेत थे उनको क्लियर कर लिया और जो फसल थी उनको पहले से जल्दी से सेल कर दी और कोई फसल कुछ काम की नहीं थी उनको बाहर फेंक दिया गया, जिस फसल का अगर जलाई जाती है उस फसल को जला दिया गया। तो इसकी वजह से थोड़ा सा चारा का प्रॉब्लम हो गया और लेकिन किसान भाई का कुछ गलत नहीं है क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब हो गया तो उसकी वजह से अगली फसल लेट हो सकती है, इसकी वजह से किसान भाई है वो बहुत जल्दी किए तो इसकी वजह से थोड़ा सा चारा का प्रॉब्लम आ गया है। तो इसकी वजह से हम जो सुबह का चारा लेने जाते हैं वो भी नहीं जाते क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं 15-20 दिन या तो 8 दिन वैसा, उसके बाद फिर से दूसरी फसल चालू होने वाली है, गेहूँ है और जो कोथम्बीर होती है धनिया बोलते हैं उसे, तो धनिया होता है तो उसके अंदर जो अपना ये हरा घास होता है तो उसको जो किशन भाई निकाल के रखते हैं तो घर के लिए हम भर के लाते हैं। तो 10-15 दिन में फिर से कोई नया चारा मिल जाएगा। तो फिर इसकी वजह से हम कहीं पे गए नहीं और मौसम आपको बताएंगे, मौसम एकदम ऐसे मौसम बहुत ख़राब है किशन भाइयों के लिए लेकिन दिखने में मौसम एकदम बढ़िया दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। You.
तो देख सकते हैं आप जगदीश भाई इधर गाय को जो पशु खाद्य क्या हो गया जी का ना भाई क्या हो गया कि पिछले ब्लॉग में मेरे को एक दो भाई ने पूछा था कि आप पशु आहार में क्या रखते हो, तो पशु आहार में आप देख सकते हो ये ज्वारी की जो पशु आहार है ये ज्वारी का बनता है, इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री हमारे बाजू में है, और साथ में उसके साथ में होता है गन्ने की जो कुट्टी होती है वो कुट्टी हम डालते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा लेटे रखते हैं, चलो तो इस गाय को पशु आहार हमने रख दिया है क्योंकि ये गाय भी बच्चा देने वाली है आप देख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि इस बार हमको इसका ब्रीडिंग नहीं करवाना था लेकिन फिर भी हो गया क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है। तो सुरेश भाई क्या बोले कि आखिरी में आपको एक इसके बछड़ा हो या बछड़ी हो हमें चाहिए उसकी, तो इसके लिए हमने इसका ब्रीडिंग करवाया और लगभग अभी दो तीन दिन में या चार दिन में ये भी बच्चा दे देंगी क्योंकि ये बूढ़ी हो गई है, तो उसकी वजह से जो उसके दांत है वो गिर चुके हैं, तो इसकी वजह से जो गन्ना होता है वो गन्ना नहीं खा सकती है, तो इसकी वजह से दोनों टाइम उसको हम वो जो गन्ने की कुट्टी होती है वो कुट्टी करके इसको रखते हैं और जो पशु आहार होता है वो दोनों रखते हैं। तो अभी बहुत जल्दी ही वो बच्चा देने वाली है और सामने जो सुरेश भाई है वो जो अभी डेयरी का जो मिल्क है वो लेके जा रहे हैं और आते हैं और सुरेश भाई से पूछते हैं कि सुरेश भाई घूमने कहाँ जाने वाला है, चलिए जाते हैं। सुरेश भाई आप दूध लेके जा रहे हैं? दूध लेके जा रहे हैं। तो अभी तुम बोला पड़ा तो हाथ पैर गेले याडा पीड़ा था कि भरवा नहीं जाओ मतलब पीड़ी रहो, तो ये सुरेश भाई देख सकते हो इधर से, सुरेश भाई थोड़ा सा इधर से अपन बुलेंगे थोड़ा सा क्योंकि इधर से थोड़ा सा काला आराम है और आप ते गोरे हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो क्या बोलती पब्लिक अभी आपको पूछेंगे कि सुरेश भाई घूमने को क्यों नहीं गए, तो कब जाने वाले? जाने वाला था तो जल्दी था, पर अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि चारा की दिक्कत है थोड़ी। जगदीश भाई ने बोला था कि तेरे को घूमना जाना है तो जा। हाँ तो दोस्तों मैंने तो उसको बोल दिया था कि भाई तेरे को जहाँ भी घूमने जाना है जा सकता है क्योंकि अभी देख सकते हो ट्रैक्टर भी अभी घर पे पड़ा हुआ है क्योंकि अभी एक ही चारा लाते हैं वो दोपहर से जो भी पाला होता है मार्केट से वो पाला लाते हैं, तो इसको तो मैंने बोल दिया भाई अभी देखो एक बार जबान गए तो फिर अभी पीछे तो नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई अभी तू मत जा, ऐसा वैसा नहीं, मैंने बोल दिया भाई क्योंकि भाई तेरे जब ज़्यादा चारा मिलेगा तब जाऊँगा। हाँ तो हाँ जब चारा मैंने तो अभी भी बोला था लेकिन वो क्या बोल रहा है अभी क्योंकि चारा कम चारा है तो इसकी वजह से जो गाय है उसको जल्दी के चराने के लिए जाना पड़ता है, तो सुरेश भाई जो है वो गाय चराने के लिए जाता है और मैं जो दोपहर से मार्केट को जो पाला है वो पाला लेने के लिए जाता रहता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जरूर से जो सुरेश भाई है वो भी जरूर से कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे, जब भी जाएंगे तो मैं आपको ब्लॉग में बता दूँ कि सुरेश भाई आज घूमने के लिए गए। वैसे तू कल तो गया था मेले में, हो गया ना बराबर? कल तो मेले में गया था ना, घूमने कहाँ गया दोस्तों? कल गया था मेले में तो घूमना हो गया फाइनल, हो गया भाई नहीं जा सकता। तू मेले में गया था ना कल यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे। वो नहीं यार, ऐसा क्या यार आज में यार तू भी ठीक है जा। तो तू जाने वाले तो कुछ दोस्तों बताइए कि महाराष्ट्र में घूमने को जाऊँ क्या गुजरात में? हाँ तो दोस्तों आप ही कमेंट कर दो कि भाई कहाँ जाए क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट है तो कहीं वहाँ पे जाएंगे, और ज़्यादा गुजरात से कमेंट आते हैं तो सुरेश भाई गुजरात में जाएंगे, लेकिन एक दिन का बोला था लेकिन सुरेश भाई जो है अभी रुक रहे हैं, तो अभी जब चारा मिलेगा तब तेरे को तीन दिन देंगे, तीन दिन तो घूम थोड़े दूर जाएंगे ना जो गुजरात में जाएंगे तो जैसे कमेंट आएंगे वैसे। हाँ तो दो तीन दिन लगने वाले ना, ठीक है दो तीन दिन के लिए सुरेश भाई जो है उसको इधर मक्खी ने काट लिया अभी काटा, तो दो तीन दिन के लिए सुरेश भाई जाने वाला है। और वो कहाँ गया? वो माला, माला हाँ माला भाई उधर काम कर रहा है, तो भी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। माला भाई इधर काम कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है माला तू? तो अभी दोस्तों माला भाई को मैं नहीं बता सकता। हेलो जी, तो ये आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है वो गड्ढा का ही है, आपने पूछा था कि किसका बच्चा है किसका बच्चा है, तो ये गड्ढा का बच्चा है। अगर बड़ा होने के बाद अगर आपको किसको चाहिए तो आप इसे ले जा सकते हो। ए ए अरे लगेगा भाई, तो ये गड्ढा का ही बच्चा है। अभी तेरे को कोई मारेगा? अरे ए हरा दे, हाँ मार को चला जा इधर, खड़ा रहे उधर। तो कुट्टी को हमने दो दिन से घर पे रखा है क्योंकि उसे चराने के लिए हम नहीं लेके गए
क्योंकि इसके आंचल बड़े बड़े थे, तो इसकी वजह से जो आपको पहले बोला है मैंने कि बब्बुल के जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो लगते हैं, तो बाद में मिल्किंग करते समय जख्म हो जाते हैं, तो दूध जो मिल्किंग है वो करने नहीं देती, लात मारती जोर जोर से, तो इसकी वजह से हम कुट्टी को नहीं लेके गए थे दो दिन से। लेकिन फाइनली आज जो है वो अभी जाएंगी आज चरने के लिए, आज गाय के साथ चली जाएंगी। और अभी जो बछड़ा है उसका तो नाम हमने नहीं रखा है, और वो तो एकदम दूध खुला ही है, तो जितना दूध पीना है उतना पी लेंगे, लेकिन मेरे को तो उसका पेट। तो इधर है हमारा पिस्तुलिया जो कि आर्यन, ए आर्यन, तो अभी उसको भी नींद आ रहा है, अरे टकला कर दिया इसका तो एकदम से, नहीं अच्छा नहीं दिख रहा, अरे टकली। और इधर है हमारी टीनू, टीनू ऊपर था एक, हाँ अब बेसंडी कौन है मेहंदी, हाँ बेसंडी कौन है मेहंदी, मीना है मेहंदी, अरे वाह वाह वाह, बोल जय श्री कृष्ण की, हो जाए किन, बोल जय श्री कृष्ण, वाह वाह वाह। तो उधर सामने आप देख सकते हैं सुरेश भाई और हरी भाई दोनों जो है कुट्टी निकाल रहे हैं, और ये जो हरा घास है वो हम दो दिन पहले जो जर्सी गाय लेके आए हैं तो उस अंकल के पास जाके ये घास जो है हम काट के लाए, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल तो कोई गिल्ला चारा नहीं था जो कि हरा घास, तो उन्होंने हमें कल ही बोला था जाओ बोले अपने खेत में से काट के लाओ, लेकिन कल हमें टाइम नहीं मिला था, तो अभी सुरेश भाई और हरी भाई दोनों गाड़ी लेके गए थे तो काट के लेके आ गए। अभी घास और गन्ना की दोनों की कुट्टी मिक्स करके कुट्टी निकाली जा रही है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे सामने दिख रहे हैं आपको, ये बच्चे के लिए और वो जर्सी गाय है दोनों के लिए ये कुट्टी अभी निकाल के रख रहे हैं, और पूरे दिन इतनी चल जाएंगी। मैं आपको पास लेके जाता हूँ और बाद में बताता हूँ। तो देखिए अभी ये देख सकते हैं आप, तो हरा घास और गन्ने की दोनों मिक्स करके ऐसी कुट्टी निकाली है, अबे वो मशीन लोड पे आ गया रे बाबू। तो कहीं फाइनली अभी जाके ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी बारिश नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत कड़क वाली धूप पड़ी है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं आएगा, और नहीं आया तो अच्छा है हमारे लिए भी और किशन भाई के लिए भी और सबका, आप सब मेरे भाइयों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपकी वजह से फाइनली मेरे यूट्यूब पे फाइनली पूरे हो गए हैं 30K, ये तो हो गए हैं फाइनली 30K। तो आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन, और हिंदी मराठी और गुजराती तीनों लैंग्वेज में मैं आप सबको मेरे अंदाज में थैंक्स कहूँगा। तो पहले लैंग्वेज से बात करें, क्या बोलते सुरेश भाई, बराबर है, बराबर, ओके। तो पहले मराठी, तो सर्वात माझ्या मित्रांना माझे मनापासून आभार की तुम्ही इतका सारा सपोर्ट केला मला, की आज फायनली जे माझे यूट्यूबवरती 30,000 फॅमिली कंप्लीट झाली, याबद्दल सर्वात माझ्या मित्रांचा मनापासून मी आभार व्यक्त करतो आहे, पुढे पण असाच सपोर्ट राहू द्या, थँक्यू। तो सभी मेरे भाइयों का दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे YouTube फैमिली पूरी हो गई है 30K, तो आगे भी ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, और आप सबका मैं दिल से आभारी हूँ और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो બધા જ મારા ભાઈઓનો હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આજ યુટ્યુબમાં મારી 30,000 ફેમિલી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે। મેં કોઈ દિવસ આવું વિચાર્યું નહોતું કે મારી પણ યુટ્યુબમાં 30,000 ફેમિલી કમ્પ્લીટ થશે। તો બધાએ ભાઈઓનો હું દિલથી આભાર માનું છું, આગળ આવવાનો સપોર્ટ રવા દેજો। તો સભી મેરે દોસ્તો કા દિલ સે શુક્રિયા, થેન્ક યુ, એસા સપોર્ટ બનાય રાખીએ, બનાય રાખીએ, અને આગે આગે આવૃત જ હું આવૃત કે સપોર્ટ કરો, सपोर्ट करो। हाँ तो हमारे सुरेश भाई हैं, वो बोल रहे हैं ऐसे आगे आगे सपोर्ट करें, क्या बोलते सुरेश भाई, और मेरे सपोर्ट रख जो भाई, हाँ टेका रख जो मैं भले दो महीने लगाओ तुम टेका पर लगाओ मजा आवे। तो इधर जो है सामने हमारा सुरेश भाई और जो हमारा पिस्तौलिया खड़ा है, तो इन्होंने जो हमारे स्पीकर के साथ माइक लगा दिया है, ये कल परसों माइक लेके आए हैं, और दिन भर ये क्या करता है, जो हमारा मैजी भाई है वो कभी कभी गा लेता है, तो हम ये जो माइक है सुरेश भाई ने उसको कल गिफ्ट किया, कल है ना, हाँ तो कल जो ये माइक है हमारे जो महेश भाई है उनको सुरेश भाई ने गिफ्ट किया है, कि हमारा जो मैजी भाई है कभी कभी घर पे बैठता है, तो जो स्कूल का जो उसका स्कूल पे आप भाषण देते हो ना, हाँ। भाषण देते हो और क्या करते, कभी कभी गाना भी गा लेते हो, हाँ। तो कभी कभी जो हमारा मैजी भाई है बुधवार को भाषण,
और बुधवार को आपका भाषण है, तो बुधवार को जो हमारा मैजी भाई है उसका भाषण भी है, और जो ये माइक है उसे हमारा जो मैजी भाई है यहाँ पे दोपहर से बैठ के प्रैक्टिस करता है, तो इसके लिए जो हमारे सूरज भाई है उन्होंने ये इतना बड़ा माइक ला के दे दिया है कि आप इधर बैठो और आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए तो मैं भी इसे ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो अपन भी ट्राई करेंगे। मैंने बोला तुम भी माइक में थोड़ा सा ट्राई करेंगे, तो क्योंकि अभी अभी हमें तो